कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में